हाँ जी नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। और आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों और उनको सपोर्ट करते रहें, मेरे को अपना प्यार देते रहें। तो मैं आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ अपने हिमाचल, देवभूमि हिमाचल से 2,500 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल की ओर। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊँगा वेस्ट बंगाल के एक ऐसे ऐतिहासिक राजमहल में जो लगभग 1870 में बन के तैयार हुआ था। कूच वंश के शासनकाल में जो राजा महाराजा थे उन्होंने उसका निर्माण करवाया था और उस वंश ने लगभग 1970 के दशक तक यहाँ पर शासन किया। उसके बाद उसके महाराजा यहाँ से दूसरे कंट्री में जा चुके हैं। अब उस राजमहल को देख रेख भारत सरकार के द्वारा की जा रही है और उन्होंने उसको एज ए टूरिस्ट प्लेस ओपन कर दिया है ताकि उसका खर्चा चलता रहे और उसकी मेंटेनेंस अच्छे से होती रहे। और जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, 25-30 रुपये है, ये तो वहीं जाके पता लगेगा। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें और मेरे को अपना प्यार देते रहें। और दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको एक बात और शेयर करनी थी अपनी। जैसे आपने देखा था कि मैंने घर में डाली थी होम रेनोवेशन की वीडियोज़, अपनी 4-5 वीडियोज़, और अभी उसके 4-5 दिन पहले उस पर कॉपीराइट आ चुका है। पता नहीं मेरे को शायद म्यूज़िक का कॉपीराइट आ चुका है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाले थे तो उसका कॉपीराइट आ चुका है। अब मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसने मतलब बहुत हेल्प की मेरे ब्लॉग बनाने में, तो हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि भाई अब यूट्यूब से उस वीडियो को हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसको री अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों, अगर मैं री अपलोड करूँगा तो आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी और उनको फिर से वैसा ही प्यार देंगे जैसे पहले मिला था। तो दोस्तों, सपोर्ट को बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहे वीडियो में, मिलते हैं आपको जाके राजवाड़ी पैलेस में। 2 hours later. After a long time. Hello guys, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं कूच बिहार में घूमने, राजवाड़ी पैलेस में, तो इसका विजिट कराएंगे आपको अच्छे से। अभी हम पहुंच गए मेन गेट से, अंदर हो चुके हैं इन। अभी हम यहाँ पे टिकट लेंगे। ये है मेन गेट राजवाड़ी पैलेस का। तो वो गाइस आप देख सकते हैं, वो है यहाँ का मेन राजवाड़ी महल। इसको 1887 में बनाया गया था कूच वंश के शासनकाल में। इस महल के लेफ्ट साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक झील भी है, बहुत बड़ी झील है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे राजमहल को। इसकी हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे 1970 तक कूच वंश के शासनकाल ने शासन किया था, उसके बाद इसको भारतीय सरकार के अधीन कर दिया गया। और यहाँ पे भूकंप भी आया था वेस्ट बंगाल में एक टाइम, तो उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया टूरिस्ट के लिए। इसका सिर्फ एक चौथा हिस्सा, जहाँ तक मेरे को लगता है उस साइड जो राइट साइड है वही खोल दिया गया है, हम वहीं पे विज़िट कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं। इस साइड के हिस्से को देख सकते हैं आप, यह पूरा बंद हो चुका है, यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट या कोई भी नहीं जाता है भूकंप के बाद। हम जाएँगे अभी, यहाँ चक्कर मार रहे हैं, मेरे साथ एक दोस्त है मेरा पुष्पा, जो कहेगा नहीं साला। अभी यहाँ से एंट्रेंस आगे से था, हम थोड़ा साइड से होके आए हैं, थोड़ा झीलों का दर्शन कर लिए, झील है उधर, झील उधर से होके आए हम। अभी कुछ ऐसा है गाइस, ये किसको देख के बनाया गया था मेरे को याद था, तेरे को पता है? ना नहीं यार। But if you don't